हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ये है मशरूम जिसे हम कुकड़ी भी कहते हैं और कई जगहों पे इसे कुकुर मुक्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है ना, पहले इसको पानी में थोड़ा देर डाल के छोड़ देना है 5 मिनट तक। उसके बाद इससे जो मिट्टी रहेगा ना सारा अच्छे से फूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अच्छे से धोना है ताकि खाने के टाइम जो है ना मिट्टी नहीं आना चाहिए मुँह में, वरना सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसे क्या करना है ना, अच्छे से धोना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छे से धो लिया था, आप देख सकते हो ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। इसी तरह उसके बाद हम इसे अच्छे से तोड़ फोड़ लेंगे, हाथ से ही ये टूट टूट जाता है तो हम इसे तोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्याज को मैंने काट के थोड़ा देर के लिए पानी में रख दिया था, क्योंकि इतना सारा प्याज काटना था, ऊपर से मेरा आँख तो ऐसे ही भी ख़राब है। तो मम्मी ने कहा था अच्छे से उसे पानी में डाल के छोड़ देना, उसके बाद काटना, तो मैंने वैसे ही किया था। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाना, ठीक है, इससे आपकी आँख में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे क्या करना है, तेल डालना, वो भी सरसों का, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करना है। तो यहाँ पे अच्छे से गर्म होने देना है, ठीक है, एकदम से कच्चापन नहीं रहना चाहिए ऑयल में, वरना टेस्ट सब्जी का ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे धुआं जैसे ही निकलने लगे ना तेल से, उसके बाद हम इसमें इतना सारा देखो प्याज सब डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये रेड ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम मशरूम डालेंगे ना तो उससे इतना ज़्यादा पानी निकलेगा कि फिर बाद में प्याज भुनेगा नहीं, और प्याज नहीं भुनेगा तो टेस्ट एकदम से ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, देखो प्याज को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे से भून चुका है, थोड़ा देर और भूनेंगे और रेड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मशरूम डालेंगे जिससे हम तोड़ तोड़ के रखे हैं ना, उसे डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हम अच्छे से भूनेंगे ढक ढक के, और फिर नमक डाल देंगे। हमारे गांव में तो ये इजीली मिल जाता है, हमारे गांव में तो पूरा हर जगह जंगल झाड़ी है, तो ये सब में मशरूम जो है ना उगते हैं बहुत ही ज़्यादा। और गांव में वैसे ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 600-700 हैं ज़्यादा का मतलब। अगर इसके कंपेरिजन में अगर हम शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम इसका 1000 से ऊपर का ही प्राइस है, बट हमारे गांव में सब जगह अवेलेबल है इसलिए थोड़ा बहुत कमी में मिलता है। आप ट्राई ज़रूर करना ये रेसिपी को, और ये देखो बहुत सारा पानी निकलेगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, थोड़ा देर पानी मतलब भून लेंगे, उसके बाद क्या करना, नमक भी डाल देंगे ताकि बचा खुचा जितना भी पानी है इसका अच्छे से निकल जाए। और पानी को क्या करना है ना, सुखा लेना है। तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई का ढक्कन हटा देंगे और ऐसे ही हम इसे अच्छे से सुखाएंगे। तब तक जब तक वो सूख रहा तब तक हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो आपको चाहिए यहाँ पे जीरा और गोलकी चाहिए, ठीक है, और लहसुन मिर्चा, और आपके पास अदरक हो तो डालो वरना नहीं डालो, मैंने नहीं डाला था। और फिर मिर्चा डालना, सबको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे देखो मैंने हल्दी डाल दिया था, और ऊपर से ये मसाले ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें ड्राई मसाला भी डाल सकते हो, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर डाल के अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से हम इसे भूनेंगे। बाकी आप अगर ताज़ा ताज़ा मसाला पीसोगे ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। हमारे गांव में तो सिलट में हमेशा से पीस के ही बनाते हैं, बट अभी मिक्सर का ज़माना चल रहा है तो हमने भी मिक्सर खरीद लिया है और बस फ्रीज में मसाला पड़ा रहता है। तो आप ऐसा ना करें, एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि ताज़ा मसाला ही यूज करें। तो यहाँ पे डालने के बाद हम इसमें अच्छे से भूनेंगे, ठीक है, इसको भूनते रहना जब तक ये अच्छे से, ये भी रेड ना हो जाए, हल्का रेड। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि ये अच्छे से रेड हो गया है अभी। तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारा तेल है कैसे खाएंगे, तो मैं अभी देखो लास्ट में बता रही हूँ कि इसको ऐसे से साइड करके रख देंगे ताकि जितना भी ऑयल है ना इसका बीच में आ जाएगा, फिर आप इधर साइड वाला जितना भी है मशरूम निकाल के खा सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट